हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल कनाडा पीआर ड्रीम में। और आज हम बात करने वाले हैं SINP। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर इमिग्रेशन प्रोग्राम, वो है सास्कैटचवान इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की बहुत बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे आप अगर आपका आईएलएस कम हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, और आपका आईएलएस अच्छा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें दो कैटेगरीज है, एक है ऑक्यूपेशन इन डिमांड कैटेगरीज और दूसरी कैटेगरी है एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज। इस दोनों कैटेगरीज में आप अप्लाई कर सकते हो। और फर्स्ट कैटेगरी जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, वहाँ पे आपको CLB लेवल 7 से कम चाहिए होगा, और दूसरी वाली जो कैटेगरी है वहाँ पे आपको CLB लेवल 7 चाहिए। तो देखते हैं ये किस तरह से आपका पॉइंट असेस होता है इस कैटेगरीज में। तो जो पॉइंट्स होता है वहां पे आपके फैक्टर होते हैं दो। फैक्टर वन होता है जिसमें आपके महत्तम 70 पॉइंट्स होते हैं, जहां पे एजुकेशन के 23 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मास्टर और PhD हो गया। दूसरी है जब आपका वर्क एक्सपीरियंस, उसके आपके 15 पॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज एबिलिटी, वहां पे आपको मैक्सिमम 20 पॉइंट मिल सकते हैं। उसके बाद आता है एज, जिसके मैक्सिमम 12 पॉइंट है। ये हो गए फैक्टर वन, यहाँ पे टोटल हुआ 70 पॉइंट। उसके बाद फैक्टर टू, यानी कि कनेक्शन टू द सास्कैटचवान या एडप्टेबिलिटीज। अगर आपका कोई अंकल है या आंटी है, आपका कोई ब्रदर है, या फिर आपका कोई सिस्टर है, आपका कोई नेफ्यू है, आपका नीस है, अगर वो वहाँ पे है तो आपको वहाँ सास्कैटचवान से मैक्सिमम 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे जाके कुछ काम किया हो लीगली तो उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपने वहाँ पे जाके स्टडी की हुई है तो वहाँ पे आपको 5 पॉइंट मिल सकते हैं। यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पे मैक्सिमम 30 पॉइंट्स गेन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई जॉब ऑफर हो तो एम्प्लॉयमेंट ऑफर कैटेगरीज होती है एक सब कैटेगरी, वहाँ पे भी आपको 30 पॉइंट ज़्यादा मिल जाते हैं ओवरऑल 100 में, जिससे आपका SINP का नॉमिनेशन का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस तरह से मैक्सिमम पॉइंट हो गए 70 प्लस 30, कुल मिला के 100। यहाँ से आपको मिल करने ओवरऑल 60 पॉइंट से ज़्यादा या 60 पॉइंट, अगर आपके पास 60 पॉइंट है तो आप एलिजिबल हो, अगर 60 पॉइंट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर हम बात करें डिटेल में जो फैक्टर वन था, तो कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर वन में आती है, जैसे कि आपके पास अगर कोई मास्टरेट हो गई या डॉक्टरेट डिग्री हो गई जिसका आपने ECA करवाया हो, तो उसके लिए आप पॉइंट क्लेम कर सकते हो 23, बेहतर के लिए 20। इस तरह के अलग अलग एजुकेशन के पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं आपको, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ECA चाहिए ही, बिना ECA के ये पॉइंट आप क्लेम नहीं कर सकते, तो मेक श्योर कि आप ECA अप्लाई करें। उसके बाद आता है पॉइंट स्किल वर्कर एक्सपीरियंस का। अगर आपका स्किल वर्क SINP में ऑक्यूपेशन आपका डिमांड में है, तभी आप ये पॉइंट क्लेम कर सकते हो, वरना ये पॉइंट क्लेम नहीं कर सकते। मैक्सिमम अगर आपने विद 5 ईयर्स में आपने काम किया हुआ है स्किल वर्क में, तो आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट मिल सकते हैं। पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है वो डिमांड में होना ही चाहिए, अगर आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में नहीं है तो उसके पॉइंट आपको नहीं मिलते। अगर आपने पिछले 6 से 10 साल के बीच में अगर कुछ काम किया हो, तो वो अगर काम ऑक्यूपेशन एंड डिमांड में हो SINP के, तभी आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आपने 5 साल काम किया है तो 5 ईयर्स और मिलेंगे, अगर आपने 4 साल काम किया है तो 4 पॉइंट मिलेंगे। इस तरह से आपको मैक्सिमम पॉइंट कवर करने हैं वर्क एक्सपीरियंस में, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका NOC डिमांड में हो, उसी NOC के आप पॉइंट क्लेम कर सकते हो। अब बारी आती है इंग्लिश एग्जाम की या फिर फ्रेंच एग्जाम की। वहां पे अगर आपका स्कोर CLB लेवल 8 के आसपास हो या उससे ज़्यादा हो, तो आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं, जो मैक्सिमम पॉइंट है लैंग्वेजेबिलिटी कैटेगरीज में। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश लाइए और आपका पॉइंट यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। बात करते हैं एज की। अगर आपकी उम्र 22 से 34 साल के बीच है तो आपको मैक्सिमम 12 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे आपके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट 12 ही है, तो अगर आप 34 के ऊपर चले जाते हो तो आपके पॉइंट थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। बात करें फैक्टर टू की, जहाँ पे एडेप्टिबिलिटीज की बात कर रहे हो, वहां पे अगर आपका कोई क्लोज फैमिली रिलेटिव्स हो, जैसे कि आपका सिबलिंग हो या आपके आंटी हो, अंकल हो, नीस, नेफ्यू, कजिन, अगर कोई स्टेप फैमिली मेंबर भी हो या इनलॉज में से कुछ हो, तो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिल सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया है। वो पॉइंट आपको पीछे
हम बताएंगे किस तरह से आपको काम में आ सकता है, पर 20 पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, नॉर्मली लोगों के 60 65 से पॉइंट बनते हैं, अगर आपके पास 20 है तो आपके पॉइंट बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, जिससे एसआईएनपी का नॉमिनेशन आने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ऑक्यूपेशन लिस्ट दिए हुए जो एसआईएनपी की वेबसाइट पे है, वो मैंने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी डाले हुए। ये ऑक्यूपेशंस कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये ऑक्यूपेशन डिमांड में हो जब आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे है जो रेगुलेटेड है, जिसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, और बिना लाइसेंस के एसआईएनपी नॉमिनेशन नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करें, जो आपकी जो एनओसी है उस कि कौन सी रेगुलेटेड एजेंसी है उसके पास जाके अपनी लाइसेंस की प्रोसेस शुरू कर दीजिए, जिससे आपका एसआईएनपी का नॉमिनेशन अगर आना होगा तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग ऑक्यूपेशन डिमांड है, तो मेक श्योर करना कि आप उसकी सब कैटेगरीज में जाइए, उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो सब चेक करें, एनओसी और एक्सपीरियंस दोनों मैच होना चाहिए एसआईएनपी के लिए, ये बहुत ही मस्ट चीज है, तो इतना आपको जानना पड़ेगा। अगर हम बात करें किस तरह से ये कैटेगरीज की जो एलिजिबिलिटीज होती है, तो वो देखें तो आपको यहाँ पे फी पे करनी होगी $300 जब आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा तब। यहाँ पे आपको 60 पॉइंट करने होंगे 100 में से, और ये ऑक्यूपेशन डिमांड में अगर आपका CLB लेवल 4 हो तो भी चल सकता है, तो इसीलिए ये फेमस बहुत है लोगों के बीच में जिसके पास CLB लेवल 7 नहीं है। यहाँ पे एक चीज है कि आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जो स्किल प्रोफेशन हो उसमें, और वो ऑक्यूपेशन डिमांड में होना ही चाहिए। अगर आपका कोई नॉन स्किल वर्क है तो उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें इस ऑक्यूपेशन डिमांड की, आपको कई बार मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोफेशनल लाइसेंस की अगर जरूरत हो तो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बिना आपका एसआईएनपी का नॉमिनेशन नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ये है सास्कैचुआन एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटीज है CLB लेवल 7 की, यहाँ पे भी आपको वैलिड एक्सप्रेस एंट्री चाहिए और जिसका जॉब सीकर कोड भी आपको मिल चुका होगा। यहाँ पे आपको ECA चाहिए, जिस तरह से ऑक्यूपेशन डिमांड है ये वो भी इसको आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड और आपका सेटलमेंट प्लान होना चाहिए। इस एक्सप्रेस एंट्री की कैटेगरीज की बात करें तो आपको कम से कम जो ECA होता है उसके बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री उसके साथ कंपेरेबल होना चाहिए कनेडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो आप वो देख लीजिए कि आपका ECA इक्वलेंट है कि नहीं है। अगर आपका ECA इक्वलेंट नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो SINP वर्क कैसे करता है, ये बात को हम देखते हैं यहाँ पे कि पहले आपको प्रोफाइल बनानी होगी, उसके बाद आपका आप पूल में जाओगे और वहां से आपका सिलेक्शन होगा, उसके सिलेक्शन के बाद आपको ITA मिलेगा जिसको इनविटेशन टू अप्लाई बोलते हैं, उसके बाद आपको सबमिट करनी है अपनी आपकी एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट करते हो SINP उसको असेस करेगी, अगर उनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मंगवाएंगे और आपको PNP का नॉमिनेशन दे देंगे। तो ये एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स कैसे रैंक होते हैं, तो जैसे आप पॉइंट करते हो बनाते हो कि आपका पॉइंट है वो SINP ग्रिड के साथ ऑटोमेटिक हो जाता है, पर अगर आपका पॉइंट दूसरे के साथ मैच करता है तो वो देखते हैं आपका कनेक्शन टू प्रोविंस क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है और आपकी लैंग्वेज एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से वो आपको पॉइंट देते हैं और उसके बाद आपको SINP का इन्विटेशन देते हैं। अगर किसी तरह से आपका वो ऑक्यूपेशन रिमूव हो गया पर उसके पहले आपको ITA मिल चुका है तो फिर भी आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर सकते हो, क्योंकि वो सील आपकी एक्सेप्ट कर सकते हैं। SINP अभी ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी 3 या 4 ऑक्यूपेशन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो उस तरह से हो चुका है अप्रैल 2019 में। तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई एक भी चीज यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़नी है, उसके लिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा और इनको ये बताना पड़ेगा कि भाई कोई कोई कंडीशन चेंज होती है उसको आपको SINP ऑफिस को बताना पड़ेगा।
और आपके एप्लीकेशन के सपोर्ट के लिए चाहिए सेटलमेंट फंड। सेटलमेंट फंड कुछ इस तरह से 1% से लेकर 7% तक वो अलग अलग कैटेगरीज का सेटलमेंट फंड है, वो 3 महीने पुराना होना ही चाहिए। यहाँ पे गिफ्ट डीड वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो फंड है वो बहुत ही पुराना हो। कौन कौन सी चीजें फंड में आप बता सकते हो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो आप उसको पोस्ट करके देख ले कि जैसे कैश वैल्यू हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। गोल्ड और प्रॉपर्टी का आप नहीं दिखा सकते एज अ सेटलमेंट फंड के लिए। सेटलमेंट प्लान आपको कहाँ से बनाना है कि आपको जाना है IRCC लिविंग इन कैनेडा टूल पे, वहां पे जाके आपको अपना सेटलमेंट प्लान बनाना है और उसको आपकी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होगा। उसके बाद कर सकते हैं प्रोफेशनल लाइसेंस की बात करें। अगर आपका प्रोफेशनल रेगुलेटेड हो तो आपको अपनी प्रोफाइल के साथ वो सबमिट करना होगा, और जब तक वो आप सबमिट नहीं करते तब तक आपका SINP का नॉमिनेशन नहीं आएगा। तो वो मेक श्योर करें कि आप तुरंत अप्लाई करें जब भी आपके पास लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिमेम्बर करनी है, याद रखनी है कि भाई आपका जो एक्सपीरियंस हो वो एजुकेशन के साथ मैच होना चाहिए, आपका जो सेटलमेंट फंड है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए, और आपको अपने एजुकेशन के लिए ECA चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपने SINP के लिए ध्यान रखना। तो शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।